जिन साथियों बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगभग 70,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसमें अगर पदों की बात करें 6 से लेकर 8 तक के लिए, जहां पर पदों की संख्या 31,982 लगभग 32,000 पोस्ट है। वहीं अगर हम बात करें 9-10 जिसे हम टीजीटी के नाम से जानते हैं अपने यहाँ बोलचाली भाषा में, यहाँ लगभग 19,000 पद 18,880, और अगर हम पीजीटी की बात करते हैं जहां पर 18,830 लगभग यह मिला की बात करें, तो ये भी पदों की संख्या लगभग 19,000 है। तो टोटल पदों की संख्या लगभग 69,492 लगभग 70,000 पोस्ट है बिहार शिक्षक भर्ती में फिर से होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह आपके लिए कि अभी 172,000 पदों पर भर्ती हुई है, दूसरी भर्ती की तैयारी की जा रही है, इसीलिए वहां पर एस्टेट भी करा दिया गया ताकि एस्टेट के माध्यम से अभ्यर्थी इसमें प्रवेश कर सके, पिछली भर्ती में भी एंट्री कर सके। और अगर आप बिहार के बाहर राज्य के हैं और आप चाहते हैं बिहार में नौकरी करना, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। अभी ये सवाल आ रहा है कि आप बीटीसी बीएड इसमें दोनों को मौका मिलेगा, किसी बीटीसी को मौका मिलेगा, किसी बीएड को मौका मिलेगा, एक-एक करके हम सारी बातें स्पष्ट करेंगे। यहां पे सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी का लेवल आपने देख लिया है, उस लेवल के हिसाब से आपकी तैयारी करनी होगी, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करना है, इस बेरोजगारी के दंश में आगे बढ़ना है। बिहार शिक्षक भर्ती में आप देख रहे हैं बिहार हर बार लगातार एक भर्ती का तोहफा देते जा रहे हैं, और आपके लिए एक सबसे बड़ा तोहफा से एक है। हम लोगों ने देखा और समझा पड़ा है कि किन किन बिंदुओं पर हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। आज सेशन हम लोग ये ध्यान देंगे कि 70,000 पदों पर भर्ती आ रही है। इस 70,000 शिक्षक भर्ती जो लगभग हमने बताया आपको, लगभग 70,000 पदों पर होने जा रही है। इस 70,000 पदों में ये भी हम लोग को देखना है कि ये परीक्षा जो बीपीएससी कराती है, आपने भी देख लिया कि जो परीक्षा होती है ये कौन करा रही है, बीपीएससी करा रही है। बीपीएससी जो परीक्षा करा रही है पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड करा रही है, मतलब आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई आप बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं होना है। जैसे आपके मन में आएगा सर मैं एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर आपके मन में आता है यार एनसीईआरटी से सवाल ही नहीं आता। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपका सबसे बढ़िया जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपके दिमाग में, जो ये बात बैठी होती है हमें अपनी तैयारी कैसे करना, हमें पढ़ना कैसे है, ये एनसीईआरटी बता देता है। एनसीईआरटी प्रश्न कैसे पूछा जाता है ये आपको बता देता है, क्योंकि कक्षा 6 की एनसीईआरटी जो है कोई विषय मान लेते हैं, जैसे भूगोल मान लेते हैं, उस भूगोल कक्षा 6 का अभ्यर्थी पूरे साल पढ़ता है, तब जाके भूगोल खत्म होता है। लेकिन आप उसे 3 दिन में खत्म कर लेते हैं, 2 दिन में खत्म कर पाते हैं, तो आप उसको पढ़ने के बाद चाहे हूबहू सवाल आ जाए, हूबहू सवाल नहीं आता। वहाँ पे आपको जो सवाल पूछे जाते हैं वो घुमावदार पूछे जाते हैं, बेस्ड एनसीईआरटी होते हैं। एनसीईआरटी से आपके जो शब्दकोश है वो आपके बढ़ जाते हैं, आपके शब्द भंडार बढ़ जाते हैं, प्रश्नों की भाषा समझ में आती है। और जैसे अगर इकोनॉमिक्स की बात की, जैसे 9-10-11-12 की इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे तो कहेगा सर यहाँ से तो कहानियां बताएगी, इसमें तो कहानी पढ़ाई जा रही है, इसमें कहाँ कुछ समझ में आ रहा है, उसी कहानी से आपके प्रश्न बनते हैं, उन्हीं कहानियों से आपके सवाल बनते हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी एक बार कवर करने के बाद, एनसीईआरटी के साथ में नोट्स बनाने के बाद, जब आप किताबों उसकी तरफ बढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है। इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का भी सहारा ले सकते हैं। एनसीईआरटी की जो 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, इसके लिए मैं बताऊंगा कि जूनियर के लिए कहाँ से, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए कहाँ से, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है, और इसकी जो निर्णय आने के बाद भी आपस में कई बार तकरार बनी है कि यार कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या क्या चीज तैयार करनी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। एक सवाल मन में आ रहा है यार फॉर्म आखिर कौन कौन भर सकता है, क्या मैं भर सकता हूँ, आप भर सकते हैं कि नहीं, ये भी पूछा जाता है। कैसे होगी चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया आपने पूरा देखना है, बीपीएससी के थ्रू चयन प्रक्रिया होगी, पहले परीक्षा होगी, फिर उत्तर कुंजी जारी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख रहे हैं आप जिस तरह हो जाए, उसके बाद अंतिम में आपको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो चयन प्रक्रिया आपने देख लिया बिहार की, उसी तरह से होने जा रही है, क्योंकि परीक्षा बीपीएससी कराएगी, पूरी तरह से पारदर्शी परीक्षा होगी, परीक्षा का लेवल बड़ा स्टैंडर्ड होगा, आपने ये भी देख लिया है, ठीक है। और आगे समझते हैं क्या होगा सिलेबस, सिलेबस क्या होगा। अगर सिलेबस जो है यहाँ पे देखिए भाषा के, क्योंकि प्राथमिक में पीआरटी में भर्ती नहीं है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो बात है, यहाँ पर जो पीआरटी है इसमें पोस्ट नहीं है, माने प्राइमरी शिक्षक भर्ती यहाँ पे नहीं होने वाली है, यहाँ पे जूनियर होगी, टीजीटी होगी, पीजीटी होगी। जूनियर में सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान के टीचर होंगे, भाषा के शिक्षक होंगे, वही हाल टीजीटी में एसएसटी माने सोशल के टीचर होंगे, गणित विज्ञान के टीचर होंगे, लेकिन जब हम पीजीटी की तरफ जाते हैं तो विषयवार टीचर होंगे, भूगोल के अलग होंगे, इतिहास के अलग होंगे, लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज के होंगे, जैसे उर्दू के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, संस्कृत के अलग हैं, बंगाली के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं, उसके बाद फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग, ज्योग्राफी के अलग, सोशोलॉजी के अलग, मतलब यहाँ पे विषयवार टीचर होंगे। इन सभी के योग्यताएं क्या, अगर पीजीटी की बात करें तो भाई जो आपका विषय वही आपको पढ़ना है, कॉमन पेपर सभी के लिए हो सकता है, कॉमन पेपर जो जीएस का हो सभी के लिए होगा। दूसरी चीज है कि भी हम जूनियर के लिए पढ़े तो क्या, जूनियर के लिए एस्टेट
टीजीपीजी के लिए स्टेट के साथ साथ क्या जरूरी है, तो आपको सीटेट जरूरी है कि नहीं, तो आपको बता दें कि जो जूनियर के शिक्षक भर्ती जो लगभग 31,000 पदों 32,000 पदों पर जो होने जा रहा है वहां पे आपके लिए जूनियर का सीटेट होना जरूरी है क्या, एस्टेट होना जरूरी है, इस पर भी अभी आयोग अपना रुख साफ कर देगा। अगर आप जूनियर का सीटेट पास है तो आप आवेदन करने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर हम लोग पूरी प्रक्रिया को ध्यान से पूरा डीप में देखेंगे और हम ये चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को साझा जरूर करिएगा। इस वीडियो को जहां भी आप देख रहे हैं वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा जरूर, ताकि हमारी बात जो है लोगों तक पहुंच जाए। सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की बात कर रहे हैं, जो बीपीएससी कराएगी, ये लगभग 70,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसमें 6 से लेकर 8 तक 21,982 पोस्ट हैं। इसमें बीएड के साथ साथ डीएलएड के भर्ती भी आवेदन कर सकते हैं, बीएड के साथ साथ डीएलएड का जो भर्ती है वो भी इस परीक्षा में आवेदन कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बीटीसी के भर्ती तो अप्लाई करेंगे, लेकिन उनके साथ एक शर्त ये है कि 12++ डीएलएड होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड हो, ग्रेजुएशन के बाद वो बीटीसी हो, तब जाकर वो आवेदन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एकदम साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, अगर आप 12+ बीटीसी डीएलएड है तब आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, आप आवेदन के लिए योग्य नहीं होंगे। कुछ लोग 12th के बाद जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड कर रखा है, तब यहाँ के लिए पूछा रहा है आपके पास जूनियर का सीटेट होना चाहिए क्या, उसके साथ एस्टेट है कि नहीं है, इस पर भी अभी आयोग स्पष्ट पूरी तरह से नहीं है। मतलब अगर आप जूनियर का सीटेट है तो भैया आवेदन करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि जूनियर का जो सीटेट है वो तो आप या तो मैथ साइंस में पास होंगे, एसएसटी में पास होंगे, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि भर्ती देखिए कि आ चुकी है, फॉर्म भरने के साथ परीक्षा की तिथि आने में ज्यादा समय नहीं रहता। बीपीएससी का इतिहास रहा है, आपने भी देख लिया है कि परीक्षा कितनी तेजी से उसने कराया है, सामने चुनाव, इसलिए सारी चीजें तेजी से और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होने वाली है, इसलिए पूरी जान लगा दीजिएगा, लेकिन जाने नहीं देना है। तो आप लोग इस पर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी कि यहां से पढ़ रहे हैं इसके लिए कहां से किताबें पढ़ें, तो आप देखें चाहे टीजीटी पीजीटी सबके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। आप कहेंगे सर 6 से 8 वाले के लिए एनसीईआरटी 6 से 8 तक की पढ़नी होगी, क्या हमें 9-10 के लिए केवल एनसीईआरटी 9-10 की पढ़नी पड़ेगी, क्या हमें 11-12 के लिए एनसीईआरटी 11-12 पढ़नी पड़ेगी, इस पर भी मैं आपको पूरी बात स्पष्ट कर दूंगा, आपको आगे बने रहना है। 9-10 के लिए क्या बीटीसी एंड जी नहीं, यहाँ पर बीटीसी का रोल खत्म हो जाता है, अब बीएड का रोल है, माने बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी केवल 6 से 8 तक वाले में आवेदन कर सकते हैं, इसमें बीटीसी और बीएड दोनों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पीआरटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, इसलिए इसको कट कर दीजिए, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ चुकी है, 1,70,000 पदों में भी प्राइमरी थी, अब जो दोबारा आयोग ने पहले स्पष्ट किया था दोबारा अगर हम भर्ती देंगे उसमें हम पीआरटी नहीं देने वाले, मैंने पीआरटी की भर्ती दोबारा में नहीं आ रही है, अब ये भी बात समझ में आ गया। 9-10 के लिए आपको केवल बीएड के अभ्यर्थी इजबल होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केवल इस परीक्षा के लिए बीएड के ही अभ्यर्थी इजबल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9-10 के लिए टीजीटी के लिए, अब यहाँ पर 11-12 की अगर हम बात करें तो 11-12 के अभ्यर्थियों के लिए एक और बातें हैं, यहाँ पर केवल पोस्ट ग्रेजुएट जो अभ्यर्थी पीजी हैं, अब इसके लिए दोनों के लिए एस्टेट है इन दोनों के लिए, क्योंकि जो नियमावली 2023 के उसी पे आधार पर होने जा रहा है, इस पर भी बातें भी आगे चलकर और अच्छे से साफ सुथरी स्पष्ट होने वाली है। अब 9-10 के लिए बीएड प्लस ग्रेजुएशन हो, यूजी प्लस बीएड हो, तो यहाँ जरूरी नहीं कि बीएड ही हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं, और उसके लिए भी कई शर्तें हैं, तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए प्रथम दृष्टया मान चलिए कि जो इसमें ये मान चलिए बीटीसी के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए केवल बीएड के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। अभी एकदम बात और साफ हो सकता है कि केवल एस्टेट देने वाले आवेदन कर पाए, तभी ये बातें और साफ हो पाएंगी, लेकिन अगर आपके पास बीएड है तो मान चलिए कि आप 9-10 में पेपर देने के लिए तैयार हो जाइए। 11-12 के लिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है प्लस बीएड है, हो सकता है बीएड का भी आते आते, क्योंकि देख रहे हैं बिहार में नियम कितने जल्दी बदलते हैं, मौसम जल्दी नियम बदलते हैं, हो सकता है तब तक नियम और आपके लिए बदल जाए, इसलिए इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, इस बात के लिए भी आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है बीएड को ले ले, इसलिए बीएड के अभ्यर्थी, क्योंकि बीएड वालों के लिए मौका, क्योंकि पीआरटी में तो बीएड है नहीं, इसलिए हो सकता है सरकार जो है बीएड को वरीयता दे, तो यहाँ पर भी हो सकता है, इसलिए मैंने वीडियो में साफ स्पष्ट रूप से बता दिया, बस आप ही कह रहे हैं फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब एनसीईआरटी की अगर हम बात करें किस कक्षाओं के लिए कौन कौन से एनसीईआरटी, क्योंकि देखिए बिना एनसीईआरटी पढ़े कोई भी किताब पढ़ेंगे आपके लिए सही नहीं पड़ेगी, उसका भी कारण ये मान लीजिए, क्योंकि आपने देखा बीपीएससी फोकस करती है एनसीईआरटी पर, और पिछला पेपर भी आपने देखा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो निकल कर आती हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं लेकिन पेपर जब सवाल आते हैं तो लगता है यार कहां से पूछा गया, ये तो हमारी एनसीईआरटी में था ही नहीं, फिर भी ये सवाल कहां से पूछा गया, तब उसका जवाब क्या होगा, तब उसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। कारण ये है जैसे हम एनसीईआरटी जब पढ़ लेते हैं, ये 7 के एनसीईआरटी हमने पढ़ लिया, तो 1 से 2 दिन में पूरी एनसीईआरटी किताब या उसकी नोट्स हम पूरा कवर कर लेते हैं, पूरी नोट्स को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कक्षा 7 का अभ्यर्थी बच्चा पूरे साल 7 का पढ़ता है। अब वहां पे क्या है, हम एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं उसके की पॉइंट को हमको लिखना होता है, इसके लिए जरूरत पड़ती है नोट्स की, समय कम है और आपको किताबें भी पढ़नी है, प्रैक्टिस भी करना है, उसके लिए आप एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ सकते हैं। इलर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके एनसीईआरटी के सभी नोट्स
पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ने के लिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से पढ़ सकते हैं। तो उसको आप कोशिश करिएगा, नोट्स पढ़ेंगे, किताब और मोटी होती है, नोट्स और पतले होते हैं, जब उसको आप पढ़ेंगे साथ में उसके प्रश्न को भी सॉल्व करते चलेंगे और साथ ही साथ एक काम और करेंगे, उसके की पॉइंट को लिखते चलेंगे, दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो जैसे की पॉइंट को देखेंगे पूरी एनसीईआरटी आपके दिमाग में छप जाएगी। जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है घुमा के पूछता है, तो जब आप इसको शब्दकोश और एनसीईआरटी का गूढ़ ज्ञान हो जाएगा तो प्रश्न को कितना भी घुमाए आप उसे कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल सपोज मैं पूछूं आपका घर कैसा दिखता है, कहेंगे सर अच्छा घर है, बढ़िया घर है, लेकिन जैसे मैंने आपके घर का नाम लिया आपके दिमाग में पूरे घर की चित्र आपके यहाँ छप गई, मैंने आपके पापा का नाम पूछा आपके पापा का चित्र आपके दिमाग में छप गया। उसी तरह एनसीईआरटी भी कहता है कि जब हमारे नोट्स को आप पढ़ते हो, जब हमारे की पॉइंट को पढ़ते हो, जब मुझे आप रिवीजन करते हो तो मैं आपके दिमाग में पूरी तरह से छप जाती हूँ क्योंकि चित्रात्मक होता है। इसलिए ई-लर्निंग के एनसीईआरटी के नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश के वो भी चित्रात्मक है, एनसीईआरटी की तरफ से पूरी तरह से चित्रों का प्रयोग किया गया, कलर चित्रों का प्रयोग किया गया ताकि इसे पढ़ने के बाद आपके दिमाग में छप जाए। मैं भी पढ़ता हूँ ई-लर्निंग विद दुर्गेश, जो एनसीईआरटी के नोट्स है वो मैं भी स्वयं पढ़ता हूँ और एज ए गेस्ट ग्रुप में पढ़ा रहा हूँ। मेरी क्लासेज आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय उपलब्ध थी, उपलब्ध है और आगे भी उपलब्ध रहेंगी। और अब सवाल आता है कि 6 से 12, हाँ एनसीईआरटी को 6 से 12 तक आपको पढ़नी है क्योंकि यहाँ पर जो नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम उपलब्ध है। कुछ लोग कह रहे हैं सर जैसे मुझे SST पढ़ना है तो क्या करूं, 6 से 12 तक का पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए कोशिश ये करिएगा कि आपको 6 से 12 तक ही कंप्लीट पढ़नी है, चाहे हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, साइंस पढ़िए, सिविक्स पढ़िए। अब कहेंगे सर मुझे इकोनॉमिक्स 6 से 12 पढ़नी है, तो इकोनॉमिक्स 6 से 12 एनसीईआरटी नहीं चलती, 9 10 11 12 में चलती है। तो जो विषय जहां से शुरू होकर जहां तक खत्म होते हैं एनसीईआरटी में उसको वहां से लेकर वहां तक को आपको पढ़नी पड़ेगी। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आप चाहते हैं कि पूरी नोट्स पीडीएफ मिल जाए तो टेलीग्राम पर आप सर्च करना है दुर्गेश सर, DURGESH SIR, जैसे दुर्गेश सर सर्च करते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और हर क्लास वीडियो की लिंक आपको मिलती रहेगी। फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश है, वहां पे फॉलो कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं पेज को। इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर तो लाइक करिएगा वीडियो को, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है कोई प्रश्न है तो वीडियो में कमेंट करिएगा। बाकी जो बातें आपको समझ में नहीं आ पा रही, जो चीजें भी क्लियर स्पष्ट नहीं पा रही, वो जैसे भी ज्ञप्ति आएगा वो पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पूरी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए घबराना नहीं है, इसलिए आपको एकदम ध्यान रखना है क्योंकि रेस से घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस से घोड़े हैं और आपका सिलेक्शन तय है अगर आपने मेहनत जारी रखी। मेहनत के आगे हर चीज आपकी छोटी पड़ेगी। एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और एनसीईआरटी की किताबें बहुत मोटी मोटी होती हैं, यूं मोटी मोटी 6 से 12 तक हो जाएंगी, विषयवार है, समय कम है, तैयारी करना है तो आप कॉमर्स के भी स्टूडेंट है, सब सारी चीजें जितनी भी एनसीईआरटी होती है कंप्लीट ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप पढ़कर अपनी तैयारी को आगे कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलेगा। इस बार 70,000 शिक्षक भर्ती में आपका सुझाव है, BTCA BEd है, आपको क्या लगता है आपको कहां तक मौका मिलेगा और बिहार शिक्षक भर्ती में आपकी स्थिति क्या होने वाली, अन्य राज्यों की स्थिति क्या होने वाली है, आप इसके लिए कितना हद तक तैयार है, इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़िएगा और जो चीजें आपको वीक लगे, जहां से लगे आपको नहीं कर पा रहे, वो आप उसके लिए आप मार्केट से बहुत सारी किताबें अलग राइटर की उनको पढ़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें अपने सहयोग के लिए रख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी आपके लिए अहम बेस्ट है और एनसीईआरटी के नोट्स ई-लर्निंग विद दुर्गेश मिल रहा है, यह आपके लिए सबसे बड़ी बात है। इसलिए अपने सभी मित्रों को साझा करते रहिएगा वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। फॉलो करिएगा पेज को, वीडियो को शेयर करिएगा, कोई व्यक्तिगत सवाल है तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।